नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में इलाज कराने आए सक्तापुरा निवासी प्रभाकर दुबे की स्विफ्ट कार का पिछले दरवाजे का शीशा तोड़कर उचक्कों ने गाड़ी के अंदर रखा सूटकेस उठा ले गए। गाड़ी के पास पहुंचने पर जानकारी होने के बाद पीड़ित ने तत्काल डायल 100 को फोन कर घटना की सूचना दी। तत्पश्चात मौके पर पहुंचने नगर निगम चौकी और डायल 100 की टीम ने घटनास्थल पर जांच की। आपको बता दें, सोमवार को सुबह 11 बजे बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सक्तापुर गाँव निवासी प्रभाकर दुबे अपने बच्चे का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल परिसर में अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद इलाज कराने के लिए ओपीडी में चले गए। इस दौरान घात लगाए बैठे उचक्कों ने शीशा तोड़कर गाड़ी से सूटकेस चोरी कर लिया। दोपहर 2 बजे डॉक्टर को दिखाने के बाद जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ मिला। गाड़ी के अंदर उन्होंने देखा तो रखा हुआ सूटकेस गायब था, जिसकी सूचना उन्होंने 100 नंबर पर दिया। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जांच किया। तत्पश्चात कोतवाली थाने पहुंचकर पीड़ित द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद थाना प्रभारी कोतवाली के निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रभाकर दुबे और पीड़ित गया प्रसाद मिश्रा ने कहा, ब्लेड से काटे प्रभाकर दुबे, मैं गोरखपुर आया था घर से अपनी बच्ची को सदर अस्पताल दिखाने के लिए। मैं गाड़ी यहाँ खड़ा करके बच्ची को दिखाने गया था। जब वापस आया तो देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, उसमें रखी हमारे परिचित गया मिश्रा की अटैची नहीं थी। कब आप खड़ी किए थे, किस चीज़ का इलाज कराने आपको यहाँ गोरखपुर? मैं अपने बच्ची को दिखाने सदर अस्पताल में आया हुआ था। लगभग 11 बजे मैं अपनी गाड़ी यहाँ सदर अस्पताल में खड़ा किया और वापस 2 बजे जब दिखा के वापस आया तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। गया प्रसाद मिश्र, पुत्र स्वर्गीय श्री रामोद मिश्र, ग्राम परसिया, थाना बड़हलगंज। इसके पहले हम रक्षा मंत्रालय में थे, दिल्ली में थे, और हम रिटायरमेंट हुए, हमको करीब करीब 13 वर्ष हो गया। हम अपने मित्र प्रभाकर दुबे के साथ आए थे, उनके बच्चों को सदर हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आए थे, और बच्चों को चेकअप कराने के लिए हम लोग गाड़ी यहाँ खड़ी किए। गाड़ी खड़ी करके उसमें अटैची छूट गई है, वो छोड़ करके हम लोग चले गए, और करीब 2 घंटे के बाद लगभग
हम लोग वापस आए तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, अटैची गायब थी। अटैची में सब सामान पड़ा हुआ था, सामान का डिटेल्स देता हूँ। अटैची में बहुत से कागजात थे, सरकारी कागजात थे, जैसे आई कार्ड था, पेन कार्ड थे, परिवार के मेंबर के कार्ड थे, हमारा डिफेंस का आई कार्ड था, बैंक का SBI बैंक का चेकबुक था, पेंशन के PPO ATM कार्ड था, पेन कार्ड था, और बहुत से डॉक्यूमेंट थे, कुछ कपड़े भी थे वो लेकर, उसमें 45,000 रुपये लगभग थे, ये निकाल लो, उसमें लेकर चले गए। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ, इसकी शिकायत हम कोतवाली में FIR दर्ज करा करें।